ट्विटर के बाद क्या है अब मेटा की बारी? क्या मेटा का बुरा दौर शुरू हो गया है? ट्विटर में छटनी के बाद अब है फेसबुक की बारी। आपको बता दें कि लगातार मेटा के शेयरों का दाम टूट रहा है और कंपनी का प्रदर्शन खराब हो रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। पिछला हफ्ता सोशल मीडिया के लिए काफी भारी था, जहां ट्विटर के एम्प्लॉयज की छटनी हुई और कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। वहीं इस हफ्ते मेटा के एम्प्लॉयज के लिए भी एक बुरी खबर है। मार्क ज़ुकरबर्ग की पैरेंट कंपनी मेटा अपने एम्प्लॉयज की छटनी इसी हफ्ते से शुरू कर सकती है। मार्क ज़ुकरबर्ग की कंपनी का दावा है कि वहां काम कर रहे हजारों एम्प्लॉयज की इसी हफ्ते से छटनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले एलन मस्क ने भी ट्विटर कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज की छटनी शुरू कर दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट की माने तो मेटा इसी बुधवार यानी 9 नवंबर से कंपनी पर छटनी शुरू करने जा रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस छटनी का असर कंपनी के हजारों एम्प्लॉयज पर पड़ेगा। इतने बड़े पैमाने पर छटनी का ये कदम मेटा के इतिहास में पहली बार होगा। आपको बता दें कि मेटा में कुल 87,000 कर्मचारी काम करते हैं। हम सभी को ऐसा लगता था कि मेटा एक ऐसी कंपनी है जिसके एम्प्लॉयज सेफ हैं। लेकिन मेटा के शेयरों में इस साल भारी गिरावट देखने को मिली और इसके शेयर कुल 73% नीचे आ गए। आपको बता दें कि पिछले एक महीने में मेटा का शेयर करीब 35% तक नीचे आ चुका है। साल भर में इस शेयर ने 73% का नुकसान दिया है। 4 नवंबर 2021 यानी पिछले साल कंपनी का शेयर $338 था, जो अब गिरकर लगभग $90 के पास पहुंच गया है। ये गिरावट अब फेसबुक के भविष्य पर सवाल खड़ा करने लगी है। इस मामले की जानकारी से जुड़े लोगों का कहना है कि ये छटनी बड़े पैमाने पर होगी और कर्मचारियों को उनकी नौकरी से निकालने की योजना बन गई है। मेटा को इस समय ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का सामना करना पड़ रहा है। वहीं टिकटॉक से बढ़ता कंपटीशन, एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव, मेटावर्स पर किए जा रहे खर्च और रेगुलेशन की चिंताओं से जूझना पड़ रहा है, जिसका असर इसके कारोबार पर आ रहा है। वहीं लगातार हो रही मेटा कंपनी के शेयरों में गिरावट का असर कंपनी के मार्क ज़ुकरबर्ग की संपत्ति पर भी दिखाई दे रहा है। जहां मार्क ज़ुकरबर्ग दुनिया के टॉप 10 उद्योगपतियों की लिस्ट में शामिल थे, वहीं मेटा का शेयर प्राइस गिरने से अब वो 29वें नंबर पर आ गए हैं। आपको बता दें कि मार्क ज़ुकरबर्ग की नेटवर्थ अब $35.5 अरब पर आ गई है। आप देख रहे हैं N27 News, पकड़ हर खबर पर।